कल हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरीके से हम ये जो होते हैं अपने एलिमेंट से कंपाउंड्स बनाते हैं और वैलेंसी के रूल को किस तरीके से फॉलो करके हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को तैयार करते हैं। बोलिए सभी बच्चों को क्लियर है? कल एक क्वेश्चन बस स्नेहा ने पूछा है कि सर O2 कैसे बनता है, ऑक्सीजन कैसे बनता है। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है क्या? सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हो गया कैसे बनाए जाते हैं कंपाउंड? यस सर। ओके, तो वैलेंसी वाला चक्कर क्लियर हो चुका है। अब हम अपने चैप्टर की तरफ एंटर करते हैं। तो पहला वो क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं जो आपने बेटा हमसे पूछा है कि सर ऑक्सीजन कंपाउंड कैसे बनता है। तो देख लीजिए कि ऑक्सीजन कंपाउंड कैसे बनता है। मैंने कल बताया था आपको कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो गैस होती है वो O2 के फॉर्म में पाई जाती है, और क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो सेम टू सेम में कभी भी कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। कैसे बनता है देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन को यदि आप फिल करने जाएंगे तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, ये पहली शेल, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने होंगे बेटा? 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। बच्चों क्लियर है? बोलो क्लियर है? 6 और टोटल 8 हो गए। ओके 8 हो गए। अब देखिए दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके पास भी बाहर 6 है। अब इसे कितने चाहिए हैं? इसे चाहिए हैं 2, क्योंकि 6 हैं। अगर 2 इसको मिल जाएं तो इसका काम पूरा हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बाहर 6 हैं, 6 में 2 और मिल जाए तो इसका काम पूरा हो जाए। तो इसलिए ऑक्सीजन को 2 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी शो करता है? -2। अब देखिए दूसरा ऑक्सीजन मैं लेकर के आता हूँ, वही सीन है, इसके पास प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं इसके, और ये क्या करता है दूसरा वाला ऑक्सीजन पहले वाले के साथ जो है कंपाउंड बना लेता है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग कर लेता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये शेयर कर गया तो एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन के पहले वाले के इलेक्ट्रॉन गिनिए, देखिए तो 6 थे बाहर और ये वाला 7th वाला और ये वाला 8th वाला, तो इसके 7 8 हो गए, और इसके वाले भी गिनो कितने हो जाएंगे, इसके वाले भी टोटल हो जाएंगे 8, क्योंकि 2 हैं इधर। ओके, और 1 2 3 4 5 6 तो ये वाले हो गए और 7 8 दूसरे वाले के हो गए। तो टोटल ऑक्सीजन के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास भी 2 थे, तो ये 2 जो थे, मतलब टोटल बाहर 6 थे बट 6 में से 2 जो थे उन्होंने शेयरिंग कर ली बाकी के 2 के साथ, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा बच्चों O डबल बॉन्ड O। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन एक नहीं 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा? O डबल बॉन्ड O। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो नोट कर लीजिए ऑक्सीजन का फॉर्मूला O डबल बॉन्ड O। इस तरीके से ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और वो खुद के साथ डबल बॉन्ड का कोवेलेंट कंपाउंड बना लेता है, और क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है दैट्स व्हाई इट इज गैस फॉर्म में है, तो ये गैस होता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। सिमिलरली तो O3 विल आल्सो फॉर्म? नहीं, O3 के बनने का तरीका बेटा वो दूसरा है। O3 जो है इस तरीके से नहीं बनता है, O3 और डिफरेंट टाइप से बनेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलिए। सर आई हैव डाउट इन सर टू मेक कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। ओके एल्युमिनियम सल्फेट, ओके करा देता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए देखिए एल्युमिनियम सल्फेट करते हैं। कल मैंने बताया था बच्चों एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ये कल आपको पता था एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, एंड सल्फेट आयन जो होती है वैलेंसी होती है -2। तो क्रिस क्रॉस रूल लगेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, सो कंपाउंड बन जाएगा Al2SO4O3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। चलिए क्लियर बेटा बन जाएगा? यस सर। हाँ, सो ये हो गया फॉर्मूला एल्युमिनियम सल्फेट का। तो बच्चों ये जो आयन वाले ना, मेनली हमारे क्वेश्चन में हमारे पास यही हमको डील करने हैं आयन वाले, ये सारे के सारे जिसमें आप प्लस माइनस और जिनमें क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं ना, ये सारे के सारे आयन्स हैं, ये आयन कंपाउंड हैं।
ओके चलो आगे आगे चलें। ओके तो चलिए चैप्टर की स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग कॉपी में अपने अपने, केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इक्वेशन। अब रिएक्शन काफ़ी बड़ा है, उसको मैं बार बार आर एक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ छोटा सा। ओके अब रिएक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, सबसे पहले जानिए रिएक्शन को पढ़ने के पहले चेंज के बारे में, चेंज चेंजेस। बच्चों हमारी लाइफ में दो तरीके के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। केमिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज होता है और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसा चेंज जिसमें आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट अपनी फॉर्म को नहीं बदलता है, मतलब जो एलिमेंट था वही रहे, समझ गए ना, मतलब जो कंपाउंड था, एलिमेंट तो नहीं कहना चाहिए, कंपाउंड वहीं का वही रहे, जिसमें कंपाउंड अपनी केमिकल एंटिटी को नहीं बदलता, कंपाउंड अपनी केमिकल एंटिटी को नहीं बदलता, आइडेंटिटी को, केमिकल आइडेंटिटी। केमिकल आइडेंटिटी मतलब अपनी केमिकल पहचान, रासायनिक पहचान, रासायनिक पहचान, रासायनिक पहचान, ये इसका मतलब होता है केमिकल एंटिटी, मतलब रासायनिक पहचान। ठीक है, तो कंपाउंड ऐसा कि जिसमें अपनी केमिकल एंटिटी को नहीं बदलता, रासायनिक पहचान को नहीं बदलता, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जो होता है फिजिकल चेंज हो जाता है। अब रासायनिक पहचान या केमिकल एंटिटी का मतलब क्या है? जैसे आप हैं, जैसे आप हैं, आप सीधे चल रहे हैं या आप जैसे भी मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चलो ठीक है। अब आपने कहा नहीं मैं अपना एक हाथ उठा के हमेशा चलूँगा, अपने हाथ को आपने सामने रख लिया और आप चलना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आप बदल थोड़ा ना जाएंगे, आप तो आप ही रहेंगे। फिर आपने नहीं कहा नहीं आज के बाद मैं चलूँगा तो मैं ऐसा करूँगा, मैं हमेशा टोपी लगा करके चलूँगा, कैप लगा के, तो आपने उस दिन से कैप लगाना शुरू कर दिया। आपने कहा मैं चलूँगा आज से तो मैं अपने दोनों हाथ दोनों बाहें खोल करके चलूँगा, तो ऐसे करने में क्या हो रहा, आप ही बने हुए हैं, बस आपकी फॉर्म चेंज हो गई है, समझ गए ना, मतलब आपकी फिजिकल फिजिक में बदलाव आ गया है, आपकी फिजिक में बदलाव आ गया है, आपकी जो दिखावट है उसमें बदलाव आ गया है। तो अगर ऐसा कोई चेंज जिसमें आपकी दिखावट में बदलाव आ जाए, ऐसे चेंज को बोलते हैं बच्चों फिजिकल चेंज, ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ऐसे चेंज को बोला करते हैं फिजिकल चेंज। एक्सक्यूज़ मी, तो ऐसा जो चेंज होता है जिसमें केवल दिखावट बदलती है, ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। सॉरी बच्चों आवाज़ थोड़ी बंद हो गई थी भैया ना, अब आवाज़ आ रही है? हेलो, यस सर। तो ऐसा चेंज जिसमें कि केवल आपका फिजिकल एंटिटी बदलती है, तो ऐसे चेंज को जो आप कहते हैं केवल बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कि केवल कंपाउंड वही रहता है, बस उसकी दिखावट बदल जाती है, तो ऐसा चेंज जो कहलाता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। और दूसरे बात करते हैं, अगर ये इंसान है, अब ये जो इंसान है इसका मतलब कोई कंपाउंड है उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं बदल जाए। अब इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में समझो तो आपको मैं इजीली समझा पाऊंगा। मान लीजिए आपके पास कोई चौक का टुकड़ा है, ये चौक का टुकड़ा आपके पास में, आपने इस चौक के टुकड़े को पीस करके मेरे सामने प्रेजेंट कर दिया। अभी ये चौक थी तो आपने मेरे सामने चौक को पीस करके इस वॉच ग्लास में रख दिया, तो चौक
चॉक को पीस करके आपने वॉच ग्लास में रख दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया चॉक पाउडर, ये बन गया चॉक पाउडर। तो देखिए पहले भी क्या था, ये चॉक थी। चॉक क्या होती है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट होती है, याद रखिएगा। चॉक जो होती वो होती कैल्शियम कार्बोनेट, और बाद में भी क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। पहले भी कैल्शियम कार्बोनेट है, बाद में भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस तरीके से ये जो आपका पहले भी चॉक था और बाद में भी चॉक है, बताइए बच्चों क्या कोई केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? केवल इसके अपीरियंसेस में चेंज आया है कि इसके केमिकल में चेंज आ गया? यस एग्जैक्टली, केवल और केवल जो है इसके केवल और केवल इसके अपीरियंस में चेंज आया है, इसके केमिकल में चेंज नहीं आया है। तो ऐसे चेंज को जिसमें केवल अपीरियंस बदलता है, फिजिकल स्टेट बदलती है, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। चलिए एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई लोहे का पैन है, लोहे का पैन मतलब आपके पास कोई ग्लास है समथिंग, ओके, ये ग्लास है आपके पास। आपने क्या कर दिया? आपने इस ग्लास को मोड़ करके इसकी थाली बना दी, पीट पीट करके इसकी थाली बना दी। ये देखिए थाली बन गई। बताइए कौन सा चेंज है बच्चों? फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फिजिकल चेंज है, क्योंकि ग्लास पहले भी स्टील का था और अब भी ये स्टील का है। ओके चलिए एक और बात करते हैं। आपके पास एक बड़ा सा पेपर था, आपने इस बड़े से पेपर को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े, बताओ कौन सा चेंज है? फिजिकल फिजिकल, बिल्कुल सही। अब एक और एग्जांपल बताइए। आपने एक आपने रात को मिल्क रखा और मिल्क सुबह आपने फ्रिज में देखा या बाहर देखा, तो मिल्क आपका कर्ड बन गया। ओके तो पहले दूध था और यहाँ दही बन गया। अब बताइए फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? केमिकल। बिल्कुल सर, केमिकल चेंज, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि मिल्क के जो एलिमेंट्स थे, सॉरी कंपाउंड थे, एलिमेंट नहीं क्योंकि एलिमेंट तो सेम रहती है, मिल्क के जो कंपाउंड थे, मिल्क में जो कंपाउंड था वो अलग था, और दही में जो कंपाउंड होता है वो अलग होता है, समझ गए ना? दही में कंपाउंड जो होता है वो अलग होता है। तो इस तरीके से आपने देखा इंटायरली अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्या बात आई सामने? Entirely a new substance is formed. तो एक ऐसा चेंज जिसमें कि एक बिल्कुल नया सब्सटेंस मिलता है, पुराने से बिल्कुल डिफरेंट, तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं दोस्तों केमिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसमें कि एकदम नया सब्सटेंस, entirely एक बिल्कुल न्यू सब्सटेंस आपको मिलता है, तो ऐसे को आप बोलेंगे, ऐसे चेंज को बोलेंगे आप केमिकल चेंज। लिखो बच्चों, अ चेंज इन विच एन एंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आउट। An entirely new substance is formed out. तो एक ऐसा change जिसमें कि एक नया substance formed out होता है, उस हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके यस, केमिकल चेंज को हम एक्सप्रेस करते हैं, ओके, द वे टू एक्सप्रेस अ केमिकल चेंज ओके द वे टू एक्सप्रेस अ केमिकल चेंज ओके इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, यस। अपने केमिकल चेंज को
एक इंफॉर्मेटिव मेथड मैनर में बताना कि उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएं। द वे टू एक्सप्रेस एनी केमिकल चेंज, ओके, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सो देखा क्या हमने, चेंजेस में आया केमिकल चेंज, और हर केमिकल चेंज एक केमिकल रिएक्शन है। हर केमिकल चेंज में एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया, चेंजेस में आया केमिकल चेंज, और हर केमिकल चेंज में एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और हर केमिकल रिएक्शन में, हर केमिकल रिएक्शन को आप लिख सकते हो एक सिस्टमैटिक वे में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो सारी पूरी चीजें, सारी लाइन से क्लियर हैं, चारों बातें अच्छे से क्लियर हैं, बताओ। है ना? हाँ, इतने सारे टर्म्स हैं, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि सारे टर्म्स मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं कि ये इनका मीनिंग क्या क्या है। सारे टर्म्स की मीनिंग अलग अलग आपको पता चल गई है कि सारे टर्म्स अलग अलग क्या हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि एक बार मैं फिर सारे टर्म्स का मीनिंग अलग अलग क्या क्या है। सबसे चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। बट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ओनली केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है, ऐसे चेंज जिसमें इंटायर कंपाउंड बदल जाए, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। द चेंजेस इन विच इंटायर कंपाउंड टोटली दैट कंपाउंड बिकम्स चेंज, ओके, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, केमिकल चेंज में एक रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज द वे ऑफ कन्वर्जन, वे ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन होने का तरीका, कन्वर्जन सब्सटेंस टू प्रोडक्ट, सब्सटेंस के प्रोडक्ट में बदलने के तरीके को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, कि सब्सटेंस से प्रोडक्ट का बदलना, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ओके। जैसे केमिकल रिएक्शन में बात करूं केमिकल चेंज को, जैसे एग्जांपल के लिए आपने केमिकल रिएक्शन बताया, आपने केमिकल रिएक्शन मतलब समवॉट हाइड्रोजन, यू कैन से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन will give you water. So this is a chemical reaction. But chemical equation is a systematic way to express a chemical reaction. Now see the chemical equation. अब chemical equation क्या होती है, कि केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन को, अब एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन को सिंबलाइज करो H2, और ये गैस है तो यहाँ पे गैस लिखो, प्लस O2 ये गैस है तो यहाँ पे भी गैस लिखो, बन क्या गया वाटर, 2H2O, और यहाँ पे भी गैस लिखो, ये देखो। तो ये जो है ये केमिकल इक्वेशन, और इसमें जितने इनपुट में हैं उतने आउटपुट में, मतलब जितने एलिमेंट लेफ्ट में उतने एलिमेंट राइट में है, तो इसको बोलते हैं अपन, ऐसी केमिकल इक्वेशन को बोलते हैं अपन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर, यस बेटा, H2O लिक्विड होगा ना? H2 क्या? सर, H2O तो लिक्विड होगा ना? नहीं बेटा, H2O, ओ यस बेटा, ये मिस्टेक हुई है मुझसे, थैंक यू बेटा, H2O लिक्विड होगा, बिल्कुल सही। सो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, बिल्कुल सही। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ओके, एक सेकंड बस। तो ये आपकी केमिकल टाइप ऑफ, मैंने केमिकल आपको बता दिए कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हुआ करती हैं। गिविंग
इट इज देयर। सो ये बता दिया मैंने बच्चों आपको कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के, मतलब कैसी होती हैं केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन। बच्चों पहला क्वेश्चन बताइए, लिखिए कॉपी में व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। लिखिए क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हाँ प्रगति पढ़िए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कॉटेज चीज और घी, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। इन केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म व्हिच इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। So in a chemical reaction, chemical change take place. Exactly, in a chemical reaction, chemical change takes place. Chemical reaction में chemical change होता है. Okay, so what is chemical reaction? The transformation of chemical substance into another chemical substance. एक chemical substance दूसरे chemical substance में बदल जाएगा. Example के लिए H2 plus O2 में हमारे पास chemical रहते हैं hydrogen and oxygen. रिएक्शन के बाद ना तो हाइड्रोजन का आता पता ना तो ऑक्सीजन का आता पता, दोनों क्या बन जाते हैं, मिलके वाटर बना लेते हैं। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड द चेंज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके तो ये हो गई पहला क्वेश्चन आज आपका कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ओके एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आइए हम बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुई कैसे है। आइए बात करते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन होती है। नंबर वन, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला, चेंज ऑफ टेम्परेचर। जी हाँ, जैसे आपको बुखार आता है ना, तो बुखार आने पर टेम्परेचर बदल जाता है, तो ऐसे ही अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, या ऐसा मत करिए ए प्लस बी टेंस टू सी हुआ है, कुछ हुआ है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर आपको टेम्परेचर की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन हुई है। एग्जाम्पल, आपने हाथ में लिया था निरमा, कल मैंने बताया था वॉशिंग पाउडर निरमा, और आपने दो बूंद नमक डाला था उस, सॉरी नमक क्यों डालोगे भाई, पानी डालोगे ना, आपने पानी डाला, तो पानी डालने पर जो टेम्परेचर था आपके हाथ में गरम गरम फील हुआ था, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कौन सी एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। अब वो केमिकल रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व है मैं आपको बताऊंगा चैप्टर एसिड एंड बेस में। दूसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ अगर गैस निकलती है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। कहाँ गैस निकलती है, आप सोडा वाटर लेकर के आते हैं, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर जो भी पीते हैं आप लोग, ओके यस, तो इसमें आप अगर कभी नमक डालो या कोई सॉल्ट डालो तो देखे होगे स्प्लैश आउट निकलता है और गैस निकलती है, यस तो ये गैस है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, तो आपको बढ़िया ज़ोरदार वाली डकार आती है मुँह से, तो आप डकार छोड़ते हैं, बोलो हाँ या ना बच्चों, यस और नो, हाँ दैट्स डकार इज व्हाट, दिस इज द फॉर्म ऑफ गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने ली थी वो आपको वापस मिलती है, आप डकार के फॉर्म में निकालते हो और बड़ा मज़ा आता है आपको, आ जितनी लंबी डकार उतना ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गया पेट में, है ना। तो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब आपके पेट में केमिकल रिएक्शन हुई है, आपके पेट में केमिकल रिएक्शन हुई है। कभी कभी कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी भी क्या है, पेट में एसिड का बनना, एसिड का ज़्यादा हो जाना। तो एसिड तो हमारे पेट में नेचुरली बनता ही बच्चों, क्योंकि खाना पचाने का काम ही एसिड का होता है, अगर वो एसिड नहीं बनेगा तो खाना नहीं पचेगा, बट वो एसिड ज़्यादा बन जाता है। एसिड आपने सुना ना पेट में बनता है, बोलो यस और नो, पता होगा ना सबको, यस हाँ यस सर, किस उसका नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, क्या नाम होता है, हाँ गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बनता है, ठीक ना, यस। तो ये जो होता है ये अपन का खाना पचाने का काम किया करता है। तो ये कैसे बना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तब आपको हो जाती है एसिडिटी,
अब ये भी बता देता हूँ, ये जरूरत से ज़्यादा कब बनता है, ये जरूरत से ज़्यादा तब बनता है जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग, ठीक है ना, ओवर ईटिंग लगभग हर कोई किसी हो जाती है, शादी विवाह के इत्यादि में ओवर ईटिंग जाती है, ठीक ना। सो ओवर ईटिंग के टाइम पे गैस्ट्रिक जूस बनता है, सॉरी HCL ज़्यादा बन जाता है दैट टाइम, यू से कि यार एसिडिटी हो गई, फिर आप तमाम तरीके अपनाते हैं, उनकी बात हम इस एसिड एंड बेस में करेंगे। तो मैं बात कर रहा था पहचान की, तो नंबर वन चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, इन कलर LCOLOUR। अगर किसी का कलर चेंज हो जाए, मतलब मान लो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, एग्जाम्पल आपने बारिश का टाइम चल रहा है, छत पे एक आयरन की नेल रख करके आ जाओ, उस आयरन की नेल को हवा लगने दो, 10 दिन बाद जाओ, आयरन की नेल जो आपको आज सिल्वर कलर की दिखाई दे रही है, 10 दिन के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों बताओ? ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, एग्जैक्टली रेडिश ब्राउन हो जाएगा। सो जो रेडिश ब्राउन इसके ऊपर कलर आया है वो क्यों आया है? बिकॉज एटमॉस्फियर की जो मॉइस्ट ऑक्सीजन है वो इस आयरन के साथ जाके रिएक्ट कर गई है, तो कलर चेंज हो गया और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई, किसकी? ऑक्साइड की लेयर। सो ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर आ गई, सो दैट्स वाई यू से कि यार यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई, तो चेंज इन कलर भी पहचान है। चौथा चेंज इन ऑर्डर, ODOUR, चेंज इन ऑर्डर। घर में गर्मी के समय मम्मी कहती है बेटा खाना जल्दी खा लो, स्पेशली बेटा सुबह की दाल बच गई है जल्दी से फिनिश कर दो दाल। फिर तो आप पूछते हो क्यों फिनिश कर दें जल्दी से, रात को खाएंगे ना आराम से, 10 बजे, 10 बजे खाएंगे, आपने सुबह 10 बजे बनाई है, मैं रात को 10 बजे खाऊंगा। तो मम्मी कहती नहीं नहीं गर्मी बहुत पड़ रही है, तो आपने शायद पहली बार सुना होगा, तो गर्मी पड़ रही है सो दाल का क्या रिलेशन है? बिकॉज बच्चों गर्मी में केमिकल इक्वेशन जो होती है ना तेज़ी से होती, बहुत तेज़ी से, आपने देखा होगा गर्मी में दही बहुत जल्दी जमता है, बोलो हाँ या ना, यस सर, जमता है कि नहीं जमता? हाँ गर्मी में दही बहुत जल्दी जमता है, आपकी मम्मी को गर्मी में अगर दही बहुत जल्दी जमता है, वो 3-4 पहले घंटे रखती होंगी, 3-4 घंटे पहले दही जमने को रखती होंगी, और 3-4 घंटे में दही रेडी हो जाता है, बट ठंड में वही दही को जमाने के लिए उनको 12 से लेके 15 घंटे रखना पड़ता है। इवन कई बार तो ये होता है कि दही जम ही नहीं पाया, अगले दिन ठंड पड़ गई बहुत ज़्यादा तो दही जम ही नहीं पाता। मतलब गर्मियों के टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होती है, केमिकल रिएक्शंस गर्मी में बूस्ट हो जाती हैं और ठंड में केमिकल रिएक्शन सप्रेस हो जाती है, मतलब डाउन हो जाती हैं, तो ठंड में रिएक्टिविटी कम होती है और गर्मी में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। हमारे पेट में भी खाने के साथ यही होता है, इसलिए शायद हमसे बड़े लोग कहते हैं गर्मी में खाना कम खाओ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा खाना खाओगे तो केमिकल रिएक्शन तेज़ी से होगी और हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ। बट ठंड में कोई नहीं कहता कि ठंड में खाना कम खाओ, ठंड में तो हमारे यहाँ बोलते हैं दबा के खाओ, क्या बोलते हैं ठंड में? दबा के खाओ, समझ गए ना, खूब खाओ, बोलो क्लियर हो गया? यस मतलब कहने का है कि बच्चों जो ये देख रहे हो आप कि चेंज इन ऑर्डर, तो मैं ऑर्डर की बात कहाँ से आई, तो गर्म सुबह आपने दही रखा और शाम को जम गया, और यहां पर आप दूध की और दही की स्मेल देखो, बताओ दोनों की स्मेल में डिफरेंस आ जाता है कि नहीं आ जाता? यस सर, यस। सो दिस इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ केमिकल चेंज। तो बच्चों आपने ये जाने कि केमिकल चेंज के पता कैसे लगाया जाता है, कि केमिकल चेंज कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों लिखो क्वेश्चन, राइट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, लिखो राइट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज होने की पहचान बताओ कि केमिकल चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं। ओके बता लोगे? यस सर, यस। चलिए तो अब केमिकल चेंजेस तो ठीक है, हम लोग बता लेंगे, आगे देखते हैं क्या है। हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करते हैं, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। अब हम बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ में पढ़ने जा रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों ऑफ रिएक्शन, चेंजेस तो देखेंगे ही और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। तो पहले लिखो टाइप ऑफ
रिएक्शंस। आप जानना चाहते हो ना कि सर केमिस्ट्री में कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, तो एक्चुअली कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोड वर्ड क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू सी। हम दो थे जुड़कर एक हो गए, या हम तीन थे या दो से ज्यादा थे, हम मिल करके एक हो गए। सो रिएक्शन इन विच मैनी सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर टू गिव वन प्रोडक्ट। सो हाउ मेनी सब्सटेंसेस, हाउ मेनी रिएक्टेंट, इस लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, मैनी रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का कोड वर्ड है कि यहां पर रिएक्टेंट मैनी होंगे, मैनी रिएक्टेंट, और एक प्रोडक्ट बनेगा, वन प्रोडक्ट। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कई सारे रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला करते हैं। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो लेट्स रीड वन एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया गया है। लिखिए क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करो। यस ओके। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके पास में जो होगा, लिखो द रिएक्शन इन विच मैनी रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। द रिएक्शन इन विच मैनी रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कई सारे रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, बड़ी मज़ेदार है। अभी तो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा, बट जिस दिन मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आप लोग को, इसका बहुत प्यारा वीडियो है मेरे पास, किसी दिन दिखाऊंगा आप लोग को। अभी तो आज ऐसे ही समझ लो, क्योंकि मैंने उसको वीडियो लाइब्रेरी से निकाल के नहीं रखा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा सर्च करने में, मेरे पास है। तो ये रिएक्शन आप ऐसे ही देख लो कि कैसे होती है बच्चों। ये रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम को बर्न करने की। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मैग्नीशियम ले आता हूँ। मैग्नीशियम के जैसे स्टील आता है ना, वैसे ही मैग्नीशियम होता है। ये देखो, ये मैग्नीशियम है, आप लोग ये देखो, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम दिख रहा है। तो मैग्नीशियम जो आता है, इसको मैंने ले लिया, वाइट कलर सा हल्का हल्का होता है मैग्नीशियम, ये जो लटका हुआ है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम रिबन। और इसको मैंने चिमटी से पकड़ लिया, ये चिमटी से पकड़ लिया, इसको बोलते हैं टोंग्स, ठीक है ना। एक टोंग्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब में गर्म करने के लिए यूज़ होती हैं टोंग्स, ठीक है ना। तो ये हो गया। यस सर। अब आप क्या करो, बर्नर ऑन करो। ये देखो, यहाँ गैस बर्नर है, यहाँ से पाइप आ रही है, ये इसमें पाइप कनेक्टेड है, और यहाँ से इसका नोजल खोल दिया, ये बर्नर ऑन हो गया, गैस जलने लग गई। अब जैसे ही आप इसको इसके पास में ले जाते हो, इसको बर्न करते हो, तो देखो इस तरीके से बेहतरीन, जैसे आपने दिवाली के टाइम में वो हंटर जलाया होगा, हंटर रस्सी लोग बोलते हैं उसको, हंटर भी बोलते हैं। हम लोग अपने टाइम में जलाते थे, रस्सी बोला करते थे उसको, ऊपर उठा के घुमाया करते थे फिर, ठीक ना, उसको घुमाया करते थे, नए नई कलाबाजियाँ दिखाया करते थे। फिर आकर के कोई घर का बड़ा हम पर अपनी कलाबाजी दिखाता था, हमें सूंट जाता था, तो वो हम उसको घुमाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये इतनी ज़ोरदार फ्लेम दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई LED बल्ब जल रहा हो। तो वाइट कलर की फ्लेम निकलती है, और ऐसे नहीं निकलती कि बिल्कुल शांत से निकल जाए, डेजल करती हुई, चक चक चक, बिल्कुल चारों तरफ चिंगारी फेंकती हुई। तो ऐसी फ्लेम जो चारों तरफ चिंगारी फेंके ना, ऐसी फ्लेम को बोलते हैं हम लोग डेजलिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, कौन सी फ्लेम बोलते हैं? डेजलिंग फ्लेम। सुन रहे हो मेरी बात? तो डेजलिंग वाइट लाइट के साथ ये मैग्नीशियम रिबन जलने लगता है, और ये नीचे वाइट कलर की इसकी राख गिरने लगती है। जो नीचे गिरी हुई ना, ये वाइट कलर की राख है इसकी,
इसको बोलते हैं ऐश, पाउडर को बोलते हैं ASH, आश, ऐश यानी राख, कहते हैं ना जला के राख कर दूंगा, सो दैट इज कॉल्ड ऐश, वाइट कलर का ऐश होता है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर मैं केमिकली लिखता हूँ तो ये रिएक्शन कैसी होती है, देखो जी, अगर मैं वर्ड इक्वेशन की बात करूँ, अच्छा इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। नंबर वन, इस रिएक्शन में अपने आँखों को दूर रखना, बिल्कुल चेहरा जितना दूर हो सके इसको रखना। ये रिएक्शंस आपको टीचर स्कूल में नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसमें जानते हैं वो लोग कि आप लोग को जलाने को देंगे तो जो जला रहा है चलो वो तो दूर रहेगा, बाकी वाले बिल्कुल ऊपर ही घुस जाएंगे उसको देखने के लिए, समझ गए ना। तो क्लास में जितने गए पता चला उसमें से एक दो सूरदास होकर के बाहर निकल आए, तो इसलिए वो टीचर्स जो होते हैं इस रिएक्शन को अवॉइड करते हैं बच्चों से, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट खतरनाक हुआ करते हैं, है ना, एक दो ने अपनी आंखें खराब कर ली, इसलिए इनको दूर रख के किया जाता है, स्पेशली चश्मे पहन करके ये गॉगल्स लगा करके इनको करा जाता है इस एक्सपेरिमेंट को। डिफ़िकल्ट और ख़तरनाक रिएक्शन होती है क्योंकि डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है और चकाचौंध के साथ निकलती है, कहीं पर पड़ गया वगैरह तो डिस्टर्ब हो सकता है। तो देखो भाई क्या होता है, लिखा हुआ है बर्न द कॉशन, बर्न द रिबन एज अवे फ्रॉम आईज पॉसिबल, अपनी आंखों को जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखें, बचा के रखें। ये वाइट कलर का पाउडर है, ये वाइट कलर का पाउडर क्या होता है, ये बनता है, अब रिएक्शन क्या होती है तब समझो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैंने ऐसे जनरली रिएक्शन लिख दी, दिस इज अनबैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस नहीं है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके ये आपकी रिएक्शन है। अगर वर्ड इक्वेशन में बात करूँ वर्ड फॉर्म में तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे कॉपी में वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स होते हैं और क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये कहलाता है बच्चों, ये तरीका कहलाता है वर्ड इक्वेशन, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, यस दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ओके वर्ड इक्वेशन हो गया। अब वर्ड इक्वेशन में सिंबल दे दो सिंपल, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या देखने को मिल रहा है, दो रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देख लीजिए आपने रिएक्शन, तो अब इस रिएक्शन को आइए पढ़ लेते हैं। यस, पहला, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, आग ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है ना, तो इस तरीके से बर्निंग है और एवरी टाइप ऑफ बर्निंग, ये बर्निंग है, ये बर्न हो रहा समथिंग, दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड बर्निंग इज केमिकल रिएक्शन। कॉपी में लिख लो, नोट बना के क्लाउड के अंदर बादलों के अंदर लिख दो, एवरी टाइप ऑफ बर्निंग इज केमिकल रिएक्शन। क्यों रिएक्शन, क्योंकि पहले मैग्नीशियम था ऑक्सीजन था, दोनों अलग अलग थे, अब दोनों जुड़ के एक नया कंपाउंड बना लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। अब इस रिएक्शन को मैं एकदम सही सही लिखता हूँ, देखो कैसे, Mg अच्छी बात है प्लस O2, ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगी O2, ओके क्या बनेगा, देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है प्लस टू होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है माइनस टू होती है, तो बनेगा MgO, क्योंकि Mg से O कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे सर इसका हिसाब क्या करें, तो डोंट वरी, आप यहाँ पे टू ले लो तो आपका हिसाब बराबर हो गया। अब काउंट कर लो कितने मैग्नीशियम दो, यहाँ भी कितने दो, कितने ऑक्सीजन दो, यहाँ भी कितने दो, नाउ इट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब दो वॉल्यूम आपको मैग्नीशियम के लेने हैं और दो वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन, एक वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन का लेना है, तो आपका दो वॉल्यूम बनेगा कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बेटा ये है सॉलिड, ये है गैस और ये क्या बनेगा सॉलिड, एक्चुअली इट इज वाइट कलर पाउडर, वाइट कलर पाउडर। चलिए प्रगति पढ़िए स्टार्ट से, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, सो मैग्नीशियम एज अ रिबन, यू टेकिंग मैग्नीशियम एज अ रिबन, ऑक्सीजन तो एयर से मिल जाएगी आपको और ये वाइट कलर का पाउडर आपको एज अ फॉर्म ऑफ ऐश आपको मिलेगा। चलिए एक्टिविटी करो बेटा, पढ़ो, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग,
Take about 2 cm long and clean it by rubbing its surface with sandpaper. चलो स्वास्थी बताओ बेटा मेरे को इसमें लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन को लेने के बाद इसको सैंड पेपर आपने देखा होगा सुना होगा घर में भी यूज़ करते हैं लोग रेग मार पेपर बोलते हैं जिसमें बहुत दरदरा पेपर होता है ना उससे रगड़ते हैं तो मैग्नीशियम पेपर को रिबन को रगड़ने की क्या ज़रूरत थी बताइए मैग्नीशियम रिबन को रगड़ने की क्या ज़रूरत थी So magnesium is really is highly reactive, so it can react with other elements or maybe gases present in the environment. हाँ यही सराउंडिंग्स एग्जैक्टली बेटा क्या है मैग्नीशियम बहुत थोड़ा सा रिएक्टिव है क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस टू है रिएक्टिव है तो क्या करता है ये जहाँ से आप ले करके आओ ऑलरेडी ये अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना चुका होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाता है तो पहले ही ऑक्साइड की लेयर बना चुका होता है उस लेयर को छुटाने के लिए आप क्या करते हो थोड़ा सा इस पर सैंड पेपर रगड़ लेते हो सैंड पेपर रगड़ लोगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा ऊपर का और आपको प्योर मैग्नीशियम रिएक्ट करने के लिए मिल जाएगा दैट्स व्हाई यू रब दिस पेपर मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर हाँ पॉइंट नंबर टू पढ़ो प्रगति होल्ड इट मैग्नीशियम कार्बोनेट यस एग्जैक्टली हाँ ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनाता है बेटा देखो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सॉल्ट बनाएगा वो तो इसके साथ जो भिड़ गया वो बनाएगा ये कई सॉल्ट बनाएगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाएगा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनाएगा ओके समझ में आ गया यस सर हाँ तो बेसिक वैसे ज़्यादातर इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है आपने जो बात करी वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है इसके ऊपर कार्बोनेट ही ज़्यादातर रहता है चलो पढ़ो प्रगति होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स बर्न इट यूजिंग अ बर्नर The magnesium ribbon starts burning with a dazzling white flame. Hold the burning magnesium ribbon ribbon over a watch glass so that the magnesium oxide powder being formed collects in the watch glass. Yes. Note before तो आपको क्या करना है एक वॉच ग्लास में नीचे जहां पर आग लगा रखी थी वहां पर एक वॉच ग्लास रखना है जिससे इसका आपको जो राख है जो ऐश है वो आपको मिल जाए जो आपको ऐश है वो आपको मिल जाए अब आप कहोगे सर ये ऐश कलेक्ट करके आप क्या कर लोगे ये ऐश कितने काम की है ये आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा बल्कि मैं थोड़ी सी हिंट तो दिया ही देता हूँ कि ये ऐश कितने काम की है आपकी ठीक है ना ये ऐश आपकी कितने काम की इस बात की मैं आपको हिंट दिए देता हूँ चलिए देखिए जो आपने मैग्नीशियम की ऐश कलेक्ट करी है जला करके दैट इज कॉल्ड MgO उठा लिया आपने इस ऐश को और उठा करके इसको आपने पानी में घोला H2O पानी में मिलाया बच्चों आपको क्या मिलेगा पानी में घोलने के बाद आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जी हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और आप इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक चम्मच को लेकर के अगर आप रेड लिटमस पेपर में इसको रब करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बूंद को रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो जहां पर बूंद डालोगे वो स्पॉट रेड लिटमस का क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा ब्लू मतलब जो रेड को ब्लू कर दे उसे क्या बोलते हैं एसिड या बेस बेस बिल्कुल सही मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है मतलब MgOH होल ट्वाइस बेस है इसका मतलब मेटल मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा बेसिक ऑक्साइड होगा जी हाँ तो एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात मिल गई कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है वो बेसिक हुआ करते हैं तो ये मैं आपको एसिड एंड बेस चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये बहुत काम की चीज़ है इसीलिए आज हमने वॉच ग्लास लगा दिया है जिससे अपन लोग कल इसको उठा सकें और इस राख को हम लोग पानी में घोलेंगे और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो ये बेस का काम करेगा समझ गए ना बेस क्या करता है रेड को ब्लू करता है ना बेस जो होता है रेड को ब्लू करता है देखो बेटा आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड उठा लिया था बोलो यस Yes, sir. उसकी राख आपने उठा ली उसको पानी में घोला जब पानी में घोलोगे बेटा तो ये क्या बनाएगा देखो पानी में घोल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस
आप पूछोगे कैसे, तो कल वाला फॉर्मूला मैं बताऊंगा। Mg की वैलेंसी प्लस टू, OH की माइनस वन, हाइड्रोक्साइल दोनों लिखा चुका हूँ, टू यहाँ पहुँच गया, वन यहाँ पहुँच गया, तो बन गया फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस, ये बन गया। तो MgOH होल ट्वाइस क्या होता है बेटा? बेस होता है, एक बेस होता है। बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, समझ गए ना। एसिड क्या करता है? एसिड नीले को लाल करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ अनिल। ए फॉर एसिड, एन आई फॉर नीला, एल फॉर लाल। एसिड नीले को लाल करता है और बेस क्या करेगा? लाल को नीला। तो यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर था और इसको इसने क्या कर दिया, सॉरी रेड को ब्लू कर दिया, ठीक ना। तो बेस जो होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो इस तरीके से ये देखा आपने, ये बहुत काम की चीज़ है। यस, तो ये एक्टिविटी यहाँ पर संपन्न हो रही है। नोट पढ़िए प्रगति। बिफोर बर्निंग इन एयर, Before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon so that it may readily combine the with the oxygen of air. Exactly. जिससे आप इसकी कार्बोनेट की लेयर छुड़ा लें और ये अच्छे से कंबाइन कर सके। तो पहला एक्टिविटी आपने यहाँ पर ये देख ली, जिसमें आपकी रिएक्शन जो इन्वॉल्व थी वो कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और आपने देखा चेंज ऑफ सबस्टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। आग भड़क गई, मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर भी हो गया। अब दूसरा पहचान देखते हैं। एक पहचान मैं वहाँ पर बता नहीं पाया था केमिकल रिएक्शन होने की, एक और पहचान है केमिकल रिएक्शन के होने का पता चलता है जिससे, वो पहचान है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब आप बोलोगे सर ये पीपीटी क्या है? पीपीटी आपने कहाँ देखी होगी? वैसे ये मतलब प्रेसिपिटेशन, जैसा मैं आपको कुछ बता देता हूँ। क्या करो, चौक के पाउडर को पीस लो, चौक के पाउडर को पीस लो, चौक के पाउडर को पीस करके टेस्ट ट्यूब में डाल दो, टेस्ट ट्यूब में डाल दो, और चौक के पाउडर को पीसने के बाद टेस्ट ट्यूब में डाल दो और टेस्ट ट्यूब को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाओ। थोड़े देर बाद आप देखोगे कि ऊपर तो वाइट वाइट रहेगा जितना है, मगर नीचे जा करके ऊपर का पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है और नीचे जा करके वाइट 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 नीचे तल्ले पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो हैवी होता है। तो ये जो वाइट 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 आता है ना, ऐसी फेज को जो कि लिक्विड और सॉलिड मिक्स होती है, बट वो घुली हुई नहीं होती है, सेटल डाउन हो जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है मटेरियल की, ऐसी फेज को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बच्चों बनाओ क्वेश्चन कॉपी में, डिफाइन प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लिखिए बच्चों डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्वेश्चन लिख लो डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, इसमें बड़े सुंदर सुंदर प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसी होती है रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम तो है, बट इसके अंदर जो मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ये हुआ करती है, ये प्योरली आयनिक रिएक्शन है, प्योरली आयनिक रिएक्शन है, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये वर्ड आपके लिए नया है, इसको चिंता ना करें, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आइए इसको हम समझाते हैं कि प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक सबस्टांस है जो ज्वाइंट है ए बी, ए है प्लस पार्ट और बी है माइनस पार्ट, और एक सबस्टांस है सी डी, सी है प्लस पार्ट, डी है माइनस पार्ट। मतलब ये आयनिक सबस्टांस थे, इन्होंने भी कसम खाई थी जीना मरना संग संग, और इन्होंने भी कसम खाई थी कभी जीना मरना संग संग, अच्छी बात है। अब आपने दोनों को भिड़ा दिया, किसी वजह से ए जो बी को पसंद करता था उसने ए को बोला तुम मेरे साथ आ जाओ डी, तुम नेगेटिव हो, तो ए जो है चला गया डी के साथ, क्योंकि ए के पास एक प्लस था और डी के पास एक माइनस था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए के साथ सेटल हो जाएगा तो बी किसके साथ सेटल हो जाएगी? सी के साथ। तो बी हो गई सी के साथ सेटल, क्योंकि बी है माइनस और सी है प्लस।
ऐसा होने में एक हैवी कोई कंपाउंड बन गया जो जा करके नीचे सेटल हो जाएगा, उसको वो कहलाएगा प्रेसिपिटेट। तो एक्चुअली ये कौन सी रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है बच्चों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इससे भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इससे भी हुआ है। इसका देखो ए पार्ट का एक ये भाग गया और इधर से भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको प्रेसिपिटेट बनता कैसे दिखाता हूँ मैं, प्रेसिपिटेट कैसे बनता उसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, तो क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज प्रेसिपिटेट, लिखिए क्वेश्चन व्हाट इज प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेपरेट्स आउट ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि सॉल्यूशन से अलग हो जाता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। ये लिख लो, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है सर? वन मिनट सर, प्लीज स्क्रॉल इट। हाँ यस, सो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा ये अलग हो जाता है, ठीक है ना, मतलब ये सोल्यूबल नहीं होता है, ये अलग से तल्ले पे बैठा रहेगा। ये देखिए यहाँ पे तल्ले पे बैठा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये देखिए, ओके, ये लिक्विड वन है, ऊपर वाला लिक्विड टू है, नीचे वाला लिक्विड वन है। जैसे आपने लिक्विड वन में लिक्विड टू डालो, ये नीचे से खटाक से प्रेसिपिटेट बन गया। ओके चलिए देखिए अब बात करते हैं। ये देखो एक सुंदर सा प्रेसिपिटेट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ओके ये देखिए, आप ऊपर से डालते जा रहे हैं एक लिक्विड और एकदम से रिएक्शन होने के बाद ये प्रेसिपिटेट बनता जा रहा है येलो कलर का। बहुत प्यारा सा प्रेसिपिटेट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर मैंगो का पल्प पैदा हो गया हो। तो बच्चों ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये किसका प्रेसिपिटेट है पता? ये है पोटेशियम आयोडाइड, ये है पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड, बच्चों गलत बोल गया मैं, पोटेशियम आयोडाइड नहीं, ये है लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बच्चों। ओके, लेड आयोडाइड मतलब क्या? PBI, लेड आयोडाइड। ओके PB, आई थिंक PB की वैलेंसी 2 होती है, I2, PbI2, जी हाँ, ये है लेड आयोडाइड। तो ये लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है। ओके यस, PbI2, एग्जैक्टली PbI2, एग्जैक्टली। अब आओ भाई देख लेते हैं ये रिएक्शन कैसी होती है, एक रिएक्शन देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल देखिए, ठीक है ना, ये इसको देख करके इस लोग इसका ये जो रिएक्शन होती है ना, ये गांव वगैरह में जो ओझा बाबा गुनिया ये जितने लोग आते हैं ना, ये लोग इसी सब का एग्जाम्पल का यूज़ करके लोग मूर्ख बनाते हैं। वो बोलते हैं कि देख बेटा मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ पानी, है ना, पानी के अंदर मैं फिटकरी मिला के डाल रहा हूँ, अगर पीला कलर आ जाएगा इसका मतलब तू बीमार है, और अगर पीला कलर नहीं आया तो तू बीमार नहीं है। तो वो लोग मूर्ख बनाते हैं ये सब करके, वो लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो मूर्ख बन जाते हैं कि अरे देखो पीला कलर आ गया, अंदर मैंगो प्रकट हो गया, है ना, बाबा की जय हो, चलो भैया जय हो। तो देखते हैं अपन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, लिखते जाओ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट मिल करके क्या बनाएंगे, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत ही सिंपल है, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट मिल करके क्या बनाएंगे, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ये लिख लो। फिर इसके बाद आपको ये बस याद है कि लेफ्ट साइड वाले याद है ना, तो राइट वाले भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेफ्ट वाले तो ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या मिला रहे हो, क्या क्या बनेगा वो बना लोगे,
बट इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या मिला रहे हो। चलो तो आई होप लेफ्ट वाले आप लोगों ने लिख लिए होंगे, राइट वाला मैं आपसे बनवाए देता हूँ। चलो देखो जी, आ जाओ मेरे साथ। ओके, थोड़ी सी जगह और ये लीजिए। हाँ बताइए, लेफ्ट में क्या था बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड था ना? यस सर। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम की वैलेंसी प्लस वन, आयोडीन की माइनस वन। आह सर बहुत बढ़िया, के आई बनेगा क्योंकि प्लस को माइनस खा गया, हम बैलेंस हैं। और क्या बताया बच्चों? लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी प्लस टू, लेड की वैलेंसी होती है प्लस टू, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है बच्चों मेरे माइनस वन। तो इसके दो लगेंगे, मतलब क्या हो गया? पी बी एन ओ थ्री का होल ट्वाइस। बोलो हाँ या ना? चलो चलो, अब देखो बच्चों चेंज कर दो। के में होता है प्लस, थ्री में होता है माइनस, के और एन ओ थ्री आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया? के एन ओ थ्री, दोनों सेटिस्फाइड, क्योंकि के भी प्लस वन और एन ओ थ्री भी माइनस वन, के प्लस वन और एन ओ थ्री माइनस वन। ये वाला पार्ट इसके साथ चला गया। और दूसरा वाला पार्ट देखो बच्चों, ये क्या है? लेड है, पी बी है, पी बी की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस टू। आयोडीन कितनी होती है? माइनस वन। तो दो लगेंगे आयोडीन के, तो पी बी आई टू। सर सेटिस्फाई तो है नहीं, कैसे सेटिस्फाई होगा? देखो यहाँ पे दो आयोडीन है, तो दो आयोडीन के लिए यहाँ पे क्या कर दो? दो कर दो। तो देख लो वैलेंस हो गया क्या? बट दो लगे हैं क्या पोटेशियम? तो पोटेशियम भी दो कर दो, देख लो वैलेंस हो गया पूरा का पूरा। दो पोटेशियम, दो पोटेशियम, दो नाइट्रेट, दो नाइट्रेट, एक लेड, एक लेड, दो आयोडाइन, दो आयोडाइन। तो ये देखिए ये क्या था? ये था पोटेशियम आयोडाइड, ये था लेड नाइट्रेट, आयन एक्सचेंज प्रोसेस हुई, क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इसमें नीचे का एरो लगा देना और लिख देना पीपीटी, मतलब ये सेटल डाउन हो जाएगा। नोट करिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सबको? यस। ओके, सो ये जो रिएक्शन है, बाकी सभी बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? एक ही ने यस बोला है। यस सर। हाँ यस सर। यस, तो दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपने देखा पोटेशियम आयोडाइड है, कनेक्ट हुआ नाइट्रेट के साथ और बना लिया लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये इनसॉल्यूबल इन वाटर सॉलिड सब्सटेंस होता है, येल्लो कलर का। बच्चों लिख लो येल्लो कलर, येल्लो कलर इसमें लिख लेना, येल्लो कलर सब्सटेंस जहाँ पे आपने बनाया है पीपीटी येल्लो, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बोलिए क्लियर है? डन? यस सर। ओके यस सर। चलिए एग्जांपल नंबर टू पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रगति आर यू देयर? यस सर। ओके नाउ कैरी ऑन बेटा, पढ़िए। सम केमिकल, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। द केमिकल between potassium iodide and the lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide. Okay, next. The process involves takes some lead nitrate solution in the test tube and the potassium iodide solution to it. A yellow precipitate of lead iodide is formed at once. A change in the color also takes place in the chemical reaction. Okay guys, so we have seen a change in color. So it is an example of chemical reaction. So precipitation is a type of chemical reaction. Samriddhi pura likh liya? Pura ho gaya? Nahi hua? Thoda hai. Chalo kar lo complete. Okay. So this is an example of chemical reaction, type 2 reaction we have done. Now guys, we have the another category of experiment. We have the third category, evolution of gas. अभी मैंने बताया था जहाँ पे भी गैस निकलती है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। सो लेट्स सी द टाइप थ्री रिएक्शन, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, दिस इज द सिंबल दैट समथिंग हैपेंड, सम केमिकल चेंजेस हैपेंड, सम केमिकल रिएक्शन इज हैपेंड कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके,
Some chemical reaction is characterized by the evolution of gas. हमारे जीवन में कुछ रिएक्शन होती हैं जहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको बेहतरीन केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शन है बच्चों एवोल्यूशन ऑफ गैस में। आप क्या लीजिए, एक फ्लास्क में अच्छा, आपके घर में कभी वाइट वॉश हुआ है चूने वाला, किसी ने देखा क्या? यस सर, वाइट वॉश चूने वाला। आजकल तो सब लोग बड़े लोग हो गए हैं तो सब लोग डिस्टेम्पर एंड प्लास्टिक पेंट करा रहे हैं, बट किसी के यहाँ चूने वाला, जो लोग सरकारी घर में रहते होंगे वो लोग जानते होंगे, वहाँ तो अभी भी चूना पुताई होती है ना। तो ये देव है, चूने वाले में देखे होंगे आप, वो लोहे की बाल्टी में पहले वो चूने को फुलाते हैं, तो मार्केट से वो गिड्डी वाला चूना लाते हैं बड़ा बड़ा। बोलो, देखा आप लोगों ने गिड्डी वाला चूना कि नहीं देखा? यस सर। हाँ यस सर। बेटा इस गिड्डी वाले चूने को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? क्विक लाइम। जी हाँ, ये चूना बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना। ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये चूना जो होता है ये बहुत खतरनाक हुआ करता है। इस चूने को आप डायरेक्टली खा नहीं पाओगे। अगर आपने इस चूने को डायरेक्टली, किसी ने इतना बड़ा गिट्टा इसका रख लिया मुंह के अंदर, अगर किसी ने इस चूने को खा लिया तो वह आगे के कुछ दिन कुछ नहीं खा पाएगा। बोलो हाँ या ना, आगे के कुछ दिन कुछ नहीं खा पाएगा वो। अब ये चूना लेकर के आते हैं, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि वो चूना लेकर के, सर हमने देखा है, इस चूने में पानी डालते हैं। बोलो, तो इस चूने में पानी डालने के बाद बताओ अनूप क्या हुआ करता है? सर गैस एवोल्यूट होती है। हाँ, कैसे एवोल्यूट होती है, गरम वाली की ठंडी वाली? सर हॉट, गरम। हाँ, सर गरम। बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चों यहाँ पे एक गरम होता है, बहुत जबरदस्त खोलता है। तो चेंज इन टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर गैस भी एवोल्यूट हुआ करती है। चेंज इन टेम्परेचर के साथ साथ ये गैस भी एवोल्यूट हुआ करती है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ करता है। ओके, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस है, इस वजह से ये एक केमिकल चेंज है। अब आप बोलेंगे सर वो तो ठीक है, गैस तो निकलती है, बट सर हमें ये बताइए कि कौन सी गैस निकलती है, कोई बता सकता है कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, चलो भाई और कोई बताओ। कार्बन। कार्बन तो कोई गैस होती नहीं सर। कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा और कोई बताओ, और तुक्के मारो भाई। चलो देखते हैं बच्चों, जब आप मार्केट से चूना लेकर के आते हो तो उसका नाम होता है CaO। बोलो हाँ। यस सर। ओके, फिर आपने इसमें पानी डाल दिया तो ये हो गया बेटा H2O। बोलो यस और नो। ओके, H2O डाल दिया आपने, तो क्या बन गया ये हमारे पास, ये बन गया हमारे पास CaOH होल ट्वाइस। ये हमारे पास चूने में हमने पानी डाला तो हमारे पास बन गया CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन गया है। ओके यार, ऑक्सीजन काउंट करो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन? दो हैं। हाइड्रोजन काउंट करो यहाँ पर कौन से हैं, कितने हैं? ये भी दो हैं। ओके। क्विक लाइम है CaO और हाइड्रोजन यहाँ पे बन रही है। यस। तो मतलब यहाँ से, इस रिएक्शन से तो कोई सी गैस यहाँ पे निकलती नहीं दिख रही है, बट ऐसा नहीं है बच्चों, ये गैस तो कोई ना कोई निकलती है। गैस यहाँ पर निकलेगी तो कौन सी गैस निकलनी चाहिए? ओके, ऑक्सीजन एक, यहाँ पे दो है। इस स्टेटमेंट से तो यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा है कि कौन सी गैस निकल रही है, तो हम लोग ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये रिएक्शन आगे आएगी तो इसको मैं बाद में करा देता हूँ। एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं बच्चों, क्योंकि अगर मैं इसको कराता हूँ तो ये मल्टी स्टेप, तीन चार स्टेप में हो जाएगी, और शुरुआत में ये रिएक्शन कराना आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं, और एकदम से बड़े लेवल पे आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो छोटा मैं रिएक्शन लेता हूँ आपके सामने,
मैं आपके सामने लेता हूँ कि एक मैंने फ्लास्क ले लिया और इस पे मैंने डाल दिया हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl। ये लो दी, मैंने HCl डाल दिया इसके अंदर, HCl, ये आ गया HCl। और फिर मैंने इसके अंदर बेटा डाले जिंक के टुकड़े, छोटे 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 एकदम जिंक के टुकड़े डाले। तो जैसे ही मैंने जिंक के टुकड़े डाले, तो बच्चों जिंक के टुकड़े देखे मैंने, तो यहाँ पर जो जिंक के टुकड़े थे वो उचकने लगे, उछलने लगे उस लिक्विड के अंदर, ऊपर नीचे होके गिरने लगे। एक ऊपर गया, नीचे गिरा, फिर दूसरा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। वो क्यों उछलने लगे? क्योंकि गैस के बुलबुले उन्हें लिफ्ट लिफ्ट करके ऊपर ले जाने लगे। कौन सी गैस के बुलबुले? तो ये देखो, जिंक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? आयनिक, मतलब हाइड्रोजन प्लस और सीएल माइनस, और जिंक तो मेटल होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? प्लस टू। तो जिंक जाएगा क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन आ जाएगी माइनस वन। तो क्रिस क्रॉस रूल लगा दो तो क्या बन जाएगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पर निकलेगा जिंक क्लोराइड, Cl2 है मतलब दो क्लोरीन, तो यहाँ पे दो लगा दीजिए, क्या बच गए? दो हाइड्रोजन। तो H2 की फॉर्म में दो हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। बोलो समझ में आया? यस सर। है ना, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, क्या अपने पास जिंक था, अपने पास HCl था। जिंक किसके साथ? ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। जिंक किसके साथ? Cl के साथ, बट क्रिस क्रॉस रूल लगेगा। जिंक की वैलेंसी होती है प्लस टू और Cl की होती है माइनस वन। तो ये टू इधर आएगा, ये वन इधर आएगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? ZnCl2। तो यहाँ पर कंपाउंड बन गया बेटा ZnCl2। और हाइड्रोजन रिलीज होगी, किस फॉर्म में रिलीज होती है हाइड्रोजन? H2 की फॉर्म में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमको टू लगाना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी इस एक रिएक्शन की बहुत बड़ी पहचान है बच्चों, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रहा है कि दो बार हो रहा है? एक बार। एक बार। तो इस क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड से केवल क्लोरीन को भगा ले गया। कौन भगा ले गया? जिंक। जो ताकतवर होगा वो उससे भगा ले गया, हाइड्रोजन क्लोराइड से। जिंक की फेज क्या थी? सॉलिड। हाइड्रोजन क्लोराइड की फेज क्या थी? एक्वस। मतलब जिंक ने हाइड्रोजन क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस मतलब पानी वाला सॉल्यूशन से, क्लोरीन को भगा लिया। तो ये रिएक्शन में से एक ही डिस्प्लेस हुआ है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, पिछले वाले को बोलते थे डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलेंगे बच्चों सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट। यार आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन निकल के आ गया। बोलो एकदम क्लियर? यस। हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे गैस लगा देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है। और जिंक क्लोराइड क्या है यार? जिंक क्लोराइड बन गया सॉल्यूशन, यानी ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। ये लीजिए, तो जिंक क्लोराइड बन गया सॉल्यूशन। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन कॉपी में, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि इन द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस डिस्प्लेस सम एलिमेंट फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखना, मेरी बात सुनना है, लिखना नहीं है। मैंने क्वेश्चन बस बोला, क्वेश्चन लिख लो कॉपी से, अपने आप से बुक पढ़ के आंसर लिखना। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टिव मेटेलिक एलिमेंट दूसरे एक्वस सॉल्यूशन से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शन को मैं बोलूंगा, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? आपने तो बता दिया कि सर जिंक ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। अब सर अगर यहां पे कॉपर होता Cu प्लस 2HCl, तो सर कॉपर की वैलेंसी भी तो प्लस 2 होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है, मतलब सर CuCl2 बन जाता और H2 गैस रिमूव हो जाती। सर क्या यही रिएक्शन होती? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि क्या ये रिएक्शन संभव है? आंसर नो, ये रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर जो है वो इतना सीधा
दम्बू, एकदम चुप रहने वाला, उसके इतनी दम नहीं है कि वो क्लोरीन को भगा सके। मतलब कॉपर का अटैचमेंट क्लोरीन के साथ उतना नहीं है जितना हाइड्रोजन के साथ है, मगर क्लोरीन ज़्यादा पसंद किसको करती है, जिंक को, तो वो जिंक के साथ भाग निकली। मगर हाइड्रोजन के साथ अगर कॉपर के कंपैरिजन में बात की जाए तो वो बोलेगी नहीं, अपना हाइड्रोजन ही सही है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। फिर आप मुझसे बोलोगे सर मैं कैसे जानूंगा कि सर कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन किसको भगाएगा, कौन किसको नहीं भगाएगा? तो फिर मैं आपको उसके लिए एक टेबल लिखाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, है ना, एक ट्रिक बताऊंगा आपको। कौन सी ट्रिक है यार, वो मेरे को याद आती है, क्या है यार वो, एक मिनट, एक सेकंड बच्चों। बिल्कुल याद आ गई, ओके, अब वो ट्रिक मुझे याद आ गई है। उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट उप रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। अब देखो वो ट्रिक मैं आपको लिखा देता हूं। हाँ, के एन ए, पहले ट्रिक लिखकर दिखा दूं, का ने का मंगल, कान का मंगल जानू, फैशन का परवाना है, क्यों है, क्यों है, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है, क्यों है जी, क्यों है जी, आज आओ पता लगाना है, आओ, क्यों है जी, आओ आज पता लगाना है। चलिए ये ट्रिक मैंने क्रिएट करी है, ठीक है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये ट्रिक केवल मैंने क्रिएट करी है। कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है, क्यों है जी, आज आओ पता लगाना है। अब का मतलब पोटेशियम, ना का मतलब सोडियम, फिर से का मतलब कैल्शियम, का ने का मतलब पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, का मतलब फिर से कैल्शियम, मंगल, मंगल मतलब पहला मंगल एम जी और अल मतलब ए एल, मंगल दो हो गए भैया, जानू यानी जेडन, फैशन मतलब आयरन, अब ये का को छोड़ दो, इसका कुछ मतलब नहीं है, परवाना यानी पी बी लेड, है यानी हाइड्रोजन, क्यों यानी कॉपर, है जी मरकरी एच जी मरकरी, आओ यानी ए यू, आज मतलब सिल्वर, पता यानी प्लेटिनम। बच्चों नोट कर लो, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है, कान का मंगल यानी कान का मोती, जानू फैशन का परवाना है, क्यों है जी आओ आज पता लगाना है, क्यों है जी आ जाओ पता लगाना है। सो गाइज, ये अपने पास एक ज़बरदस्त ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। अब आइए देख लेते हैं कि क्या वाकई में कोई किसी को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब पहले तो मुझे ये बता दो कि ये ट्रिक तुम लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ठीक है, ये ट्रिक बहुत स्पेशल है। यस बेटा, क्या बोलो, ओके डन सर, लास्ट में हाँ पता लगाना है, प्लेटिनम पीटी, क्यों है जी आओ आज पता लगाना है। सर व्हाट इज दिस पीटी? प्लेटिनम। यस सर, प्लेटिनम, समझ गए, क्लियर भाई कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो भाई, यस सर क्लियर। अब देखते हैं, प्रगति लिख ली तुमने ट्रिक? प्रगति
लिख ली आपने ट्रिक बेटा? प्रियांशी डन। ओके सो लेट सी हाउ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मैं बात कर रहा था आपसे जिंक क्लोराइड की, Zn प्लस HCl। पकड़ो जिंक को, पकड़ो हाइड्रोजन को। देखो जिंक कहाँ है जानू, हाइड्रोजन है। बताओ रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है कि हाइड्रोजन ऊपर है? जिंक। जिंक हाँ सर, जिंक। तो जिंक, जिंक ज्यादा पावरफुल है, जिंक बिल्कुल उठा के ले जाएगा क्लोरीन को। जिंक क्लोरीन को उठा करके ले जाएगा और बना लेगा अपना सॉल्ट, अपने महल की रानी जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन बेचारा देखता रह जाएगा H2। ओके सो दिस इज द वे। अब आइए बात करते हैं आपके साथ, हमने जो बात की थी कॉपर प्लस HCl। आ जाओ भाई कॉपर क्यों है बताओ, ऊपर कौन है हाइड्रोजन या कॉपर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बताओ क्या क्लोरीन कॉपर के साथ जाएगी कि हाइड्रोजन के साथ चिपकी रहेगी? क्या ये कॉपर के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी? नो सर। नो नहीं जाएगी, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या है लिख लो बच्चों, नो रिएक्शन। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, जैसे का तैसे ही रहेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो अगला रिएक्शन प्रगति बताएगी। प्रगति Fe प्लस HCl, बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? यस सर होगा। तो बताओ क्या बनेगा? आयरन मैंने सेकंड दिया आपको, फेरस, बताओ क्या बनेगा? प्रगति रिप्लाई करो जल्दी, क्या बनेगा बेटा? बेटा बनेगा क्या हो गया बेटा, इतना सरल है। Fe के साथ में प्लस टू है क्योंकि सेकंड फेरस है, तो क्लोरीन कितने लगेंगे? क्रिस क्रॉस लगाओ दो, तो बनेगा FeCl2 प्लस दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको टू लेना पड़ेगा। नहीं आया क्या समझ में? No, क्यों नहीं आया समझ में? प्रगति स्पीक अगेन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर आई वाज कंफ्यूज्ड। व्हाई? फेरस। ओके अभी अभी समझ में आ गया, अब क्लियर है कि नहीं है? यस सर। कल बताई थी ना मैंने sir, फेर हाँ बेटा बोलो। सर आप प्लीज अपन बंद कर दें सर, क्योंकि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, के ऊपर से निकल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं इसलिए करा रहा था क्योंकि शुरू के दोनों आ गए yes, समझ में। हाँ अब तीसरा वाला, अब देखिए इसमें yes, देखिए बेटा फेरस के लिए लिख दिया था टू, मतलब इसकी वैलेंसी टू है। तो आपका काम क्या है, पहले देखना आयरन कहाँ है और कॉपर हाइड्रोजन कहाँ है। कॉपर है और हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन की क्लोरीन छीन लेगा। अब सवाल तो लियो भैया, आयरन की क्लोरीन हो रही है। हेलो बाकी बच्चे रिप्लाई करें, नहीं बनेगा क्या FeCl2? हेलो यस सर। FeCl2 नहीं, नहीं, नहीं बच्चे बताएं। यस सर। हाँ ये रिएक्शन होगी। प्रियांशी क्लियर है? आज रिप्लाई नहीं दे रहे बच्चे, आई डोंट नो क्यों। ओके सो नो प्रॉब्लम। सो दिस इज अ डबल, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट इसको कवर कर लेते हैं, इसको थ्योरी कर लेते हैं, इसके बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलिए सो एवोल्यूशन ऑफ गैस, स्वास्थ्य पढ़िए।
some chemical reaction characterized by the evolution of gas? Some chemical reaction are characterized by the evolution of a gas. The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid